बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी क्रिप्टो करेंसी पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सिंपलेस्ट वे में कि बिटकॉइन क्या है और ये कैसे काम करता है। वो लोग जिनको बिटकॉइन की समझ नहीं है, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने से वो जो है ना इस चीज को पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर लेंगे कि बिटकॉइन जो है ना कैसे काम करता है और ये कैसे जनरेट करता है। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। न्यू बिजनेस आइडियाज, बिजनेस केस स्टडीज, मोटिवेशनल वीडियोस, फ्रेंचाइज बिजनेस और इन्वेस्टमेंट आइडियाज को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती है। फिर सबसे पहले तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि जो बिटकॉइन है ना ये है डिजिटल करेंसी। जैसे एक रुपया है जिसको आप फिजिकली तौर पर टच कर सकते हैं, इस तरीके से बिटकॉइन को आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, ये डिजिटल इस तौर पे काम करता है। अगर आप बात करें पास्ट की, तो पास्ट में जब कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती थी तो वो शेयर्स को प्रॉपर जो है ना फिजिकल फॉर्म में आपको इशू किया करती थी, लेकिन अब ये जमाना नहीं है, आप आपको डिजिटली तौर पे उन शेयर्स का मालिक बना देते हैं। इसी तरह डिजिटल करेंसी भी जो है ना एक नई उभरती हुई करेंसी है जो कि अब आपकी फिजिकल पेपर करेंसी को खत्म कर देती है। जैसे आपका एक रुपया है या एक डॉलर है या एक पाउंड है, इस तरीके से आप उनको टच कर सकते हैं, बिटकॉइन को इस तरीके से आप टच नहीं कर सकते। अगर बिटकॉइन की वैल्यू की बात की जाए, जैसे एक डॉलर जो है ना पाकिस्तानी इस टाइम पे 175 रुपीज का है, बिटकॉइन की इस टाइम पे करंटली जो वर्थ चल रही है वो मोर देन 80 लाख रुपीज है। तो ये तो होगी बिटकॉइन की वैल्यू। अब हम बात करेंगे कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। देखिए, क्लास में बच्चों को जब उनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उस क्वेश्चन के आंसर के तौर पर उनको कोई ना कोई रिवार्ड दिया जाता है। सेम चीज एप्लीकेबल होती है कि जब आप किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी, जैसे आप दराज ले लें, दराज पे अब आप कोई भी चीज परचेज करते हैं तो वो आपको एज ए रिवार्ड कॉइन्स देते हैं। इन कॉइन्स को इकट्ठा करके बाद में आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी परचेजिंग में। सेम चीज पे बिटकॉइन काम करता है कि वो लोग जो बिटकॉइन की ट्रांसफर कर रहे होते हैं, लेन देन कर रहे होते हैं, उनको किसी भी मिडल मैन की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अभी आप करेंसी की लेन देन कर रहे हैं, करेंसी की ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली आप बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता है। बिटकॉइन में जो आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं वो खुद ही एक दूसरे से ट्रांसफर कर रहे होते हैं, लेकिन उस ट्रांसफर को परफॉर्म करने के लिए माइनिंग का प्रोसेस यूज किया जाता है। जी हाँ, माइनिंग क्या है? सेम जैसे मैंने आपको बताया कि एक अगर क्वेश्चन का आंसर आप देते हैं तो उसके रिवार्ड के तौर पर आपको जो मिलता है वो आपका रिवार्ड कहलाता है। इसी तरीके से जो ट्रांजेक्शन बिटकॉइन की परफॉर्म हो रही है, बिटकॉइन का एल्गोरिथम उसके अगेंस्ट एक क्वेश्चन रेज करता है और जो उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देता है उसको रिवार्ड के तौर पर बिटकॉइन जनरेट करके दिया जाता है। जैसे कि मैंने पिछली एक वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे आप भी रिव्यू करेंसियों के बारे में, पाकिस्तान की करेंसी या फिर कोई भी स्टेट बैंक इतनी करेंसी क्यों नहीं छाप लेता कि वो अपने सारे कर्जे और आवाम को अमीर कर दे। इसी तरीके से बिटकॉइन को भी एक लिमिटेड अमाउंट तक किया गया है जो कि 21 मिलियन बिटकॉइन है, जिसमें से 18 मिलियन के करीब बिटकॉइन जनरेट हो चुके हैं, बाकी के 3 मिलियन के बिटकॉइन जनरेट होना रह गए हैं। जैसे कि आपने, मैंने आप लोगों के साथ करेंसी की उसमें शेयर किया था वीडियो में कि क्यों जो है ना गवर्नमेंट जो है ना इतनी अमाउंट में करेंसी नहीं प्रोड्यूस करती, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। सेम चीज बिटकॉइन पे भी अप्लाई हुई है कि जी यहाँ पे बिटकॉइन की वर्थ इससे जो है ना कम हो जानी है। जो लोग बिटकॉइन की जो है ना ट्रांसफर करने में जो है ना प्रोसेस करते हैं, माइनिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, उनको रिवार्ड के तौर पे बिटकॉइन जनरेट होकर मिल रहा होता है। ऑल्दो इस टाइम पे बिटकॉइन को जनरेट करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इनिशियल लेवल पे जब बिटकॉइन आया था तो एक दिन में 2 से 3 बिटकॉइन भी जनरेट कर रहे थे लोग, लेकिन अब क्योंकि कंपटीशन भी इतना ज्यादा बढ़ चुका है और बहुत सारे लोग इसमें आ चुके हैं, जिसकी वजह से शायद एक बिटकॉइन को जनरेट करने में 15-16 साल लगे। जी हाँ, इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। अगर बिटकॉइन की वर्थ की बात करें ना, 2009 में बिटकॉइन की वर्थ कुछ भी नहीं थी और 2010 में एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन के इवज 2 पिज्जा ऑर्डर किए थे, लेकिन इस टाइम पे आप इसकी वर्थ दे सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज में 80 लाख यानी 8 मिलियन से ज्यादा की वर्थ है इस टाइम पे, क्योंकि ऐसा डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने, लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया और इसकी डिमांड एंड सप्लाई बढ़ी, जिसकी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू राइज कर रही है।
एक और मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि करेंसी कैसे स्टार्ट हुई थी, क्योंकि शुरू में करेंसी का मतलब होता था एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। आप अपनी चीज लेके उसके बस वो चीज ले रहे थे कि जो जिसकी आपको जरूरत है, लेकिन वो आपके पास नहीं थी। बिल्कुल, आप आटा दे के दूसरे से जो है ना वो चावल खरीद रहे थे, उसको चावल आटे की जरूरत थी, आपको चावल की जरूरत थी, तो आप लोग एक्सचेंज करते, इसको मनी कहते थे, यानी कि मींस ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। अभी जो है ना ऐसा ऐसा से जारी सी बात है, ये फिजिकल होता गया, उसके बाद नोट्स बनते गए जिसकी वजह से हो गया, लेकिन अब नई जो मीन ऑफ वैल्यू है वो है डिजिटल करेंसी। ऐसा ऐसा डिजिटल करेंसी मार्केट में बहुत ज्यादा इन हो रही है, और जब जैसे जैसे करेंसी आगे आ रही है तो ऑब्वियसली इस करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी होती है जो कि आपकी गवर्नमेंट का स्टेट बैंक होता है। जब लोग उस स्टेट बैंक को सारी चीजें उस पे डाल देते हैं और उस पे रिलाय करने लग जाते हैं ईच एंड एवरीथिंग पे, तो ऑब्वियसली हर मुल्क का स्टेट बैंक कुछ ना कुछ उससे फायदा उठाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि 2008 में मार्केट क्रैश हुई थी। अब उस मार्केट क्रैश की जो रियल वजह थी या बेसिक रीजन थी, वो भी यही थी कि गवर्नमेंट का अपने आप पर ज्यादा जो है ना कॉन्फिडेंस बन जाना, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ उनका फायदा उठा सके। हुआ क्या कि 2008 में यूएस के जो बड़े बड़े बैंक्स थे, उन्होंने सोचा कि हम उन लोगों को कर्जा भी दे सकते हैं जो कि इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट वापस पे नहीं कर सकते होम लोन की सूरत में। अब उनको चाण के नजर आता कि इसका जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को तो हम लोग ले लेंगे, और हमारी गवर्नमेंट जो है ना हमें भी किसी सूरत में भी बैंकक्रप्ट होने नहीं देगी। सेम यही किया उन्होंने, बहुत सारा कर्जा इशू कर दिया, होम लोन इशू कर दिए, ये देखते हुए भी कि ये लोग इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने $1 trillion का जो है ना वो नोट छापे, प्रिंट किए, और उन कंपनीज को बैंकक्रप्ट होने से बचाया। लेकिन उसके अगेंस्ट हुआ क्या कि वहां पे महंगाई बढ़ गई, अगेन वही इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई, जिसका नुकसान जो है ना वो मिडिल मैन को या आम आदमी को जो है ना वो उठाना पड़ा। मतलब कि वो लोग तो बच गए जिन्होंने ऑलरेडी वहां से प्रॉफिट जनरेट किया था और यहां से अपनी कंपनीज को भी बचा लिया, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे ज्यादा छाप दिए, जिसकी वजह से आवाम को उसका नुकसान उठाना पड़ा महंगाई की सूरत में। क्योंकि होता क्या कि जब आपके पास वैल्यू तो बढ़ जाती है, पैसे तो आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन आपको चीजों की परचेज करने की जो है ना अमाउंट वो कम होती है। कि बिल्कुल पहले अगर आपके पास 10 रुपए थे तो आप एक ब्रेड खरीद सकते थे, अब आपके 100 रुपए तो आप एक ब्रेड खरीदते, तो ऐसा ऐसा आपकी उस वैल्यू उस चीज की कम होती जाती है। लेकिन बिटकॉइन की में जो है ना यहाँ पे ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से लोग बिटकॉइन को पीपल्स करेंसी बोलते हैं। बिटकॉइन में कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, लोग ही इसकी जो है ना प्राइस को अप करते हैं, लोग इसकी प्राइस को डाउन करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि इलॉन मस्क ने अपनी ट्वीट करके बिटकॉइन की प्राइस एकदम नीचे कर दिया, फिर उन्होंने बिटकॉइन की प्राइस को एकदम ऊपर कर दिया। ये स्ट्रेटेजी होती है, सेम चीज जो है ना बिटकॉइन पे एप्लीकेबल हो रही है कि लोग इसकी डिमांड के अगेंस्ट जो है ना वो इसकी प्राइस अप कर रहे हैं, और फिर डिमांड अगर इसकी कम हो जाएगी तो ये इसकी प्राइस कम हो जाएगी। अगर आप और मैं चाहें तो हम लोग भी अपनी जो है ना डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जो है ना इशू कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है कि इस टाइम बिटकॉइन ने जितना मार्केट को कवर कर चुका है, इसके सामने दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी इतनी ज्यादा इवॉल्व नहीं हो पा रही है, तो इसलिए जो है ना बिटकॉइन को बहुत ज्यादा इस टाइम पे ह्यूज जो है ना अमाउंट में वो हाइप मिली हुई है। अब ये तो प्रोसेस वो था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि बिटकॉइन कैसे काम करता है और कैसे इसकी माइनिंग होती है। बिटकॉइन की पूरी मैंने समरी आपके साथ शेयर कर दी। अब मेन चीज जो आती है वो ये है कि बिटकॉइन आप बाय कैसे कर सकते हैं। देखें, पहले 2018-2019 तक पाकिस्तान में बिटकॉइन पर सख्ती से पाबंदी थी, उसके बाद ऐसा ऐसा गवर्नमेंट ने अपनी जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन उठाना शुरू की, जिसके बाद बिटकॉइन ऐसा ऐसा माइन भी होना शुरू किया। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली मेरी वीडियो में कि केपीके की गवर्नमेंट जो है ना बिटकॉइन माइनिंग का एक पूरा प्लांट भी लगा चुकी है, और वहां से वो बिटकॉइन माइनिंग जनरेट कर रही है। तो इसी वजह से जो है ना पाकिस्तान में डिफरेंट चीजें जो है ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं जो कि बिटकॉइन को जो है ना वो आपकी एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। बिटकॉइन वहां से आप परचेज करते हैं, जिसमें से एक जो एप्लीकेशन है वो थी बाइनेंस, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, वहां से भी और बहुत से डिफरेंट मीन्स और भी हैं जहां से मिडिल मैन आपको बिटकॉइन परचेज कर दे सकते हैं।
तो ये थी मेरी आज की सारी वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया बिटकॉइन की पूरी जो है ना हिस्ट्री, उसका प्रोसेस काम करने का और कहां से आप परचेस करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।